देवों के देव महादेव का नाम भूतनाथ भी है। भोलेनाथ का सिर्फ देवी देवताओं और इंसानों के भगवान हैं, बल्कि कि उनको भूत प्रेत और दानव भी भगवान मानकर पूजते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव की शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत भी बराती बनकर आए थे। भारत के एक अनोखा मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है, जो ककनमठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि इसका निर्माण भूतों ने ही किया था। ककनमठ मंदिर के बारे में बताया जाता है, बड़े बड़े पत्थरों से बने इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के सीमेंट गाड़े का प्रयोग नहीं किया गया है। सभी पत्थर एक के ऊपर कतरबद्ध रखे हुए हैं। एक बार देखकर तो मन में यह सवाल उठता है कि कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन यह मंदिर वर्षों से अपने स्थान पर अड़िग खड़ा है। मंदिर के आसपास बने कई छोटे छोटे मंदिर नष्ट हो गए हैं, लेकिन इस मंदिर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर के बारे में कमाल की बात तो यह है कि जिन पत्थरों से ये मंदिर बना है, आसपास के क्षेत्रों में यह पत्थर नहीं मिलता है। कहते हैं कहीं दूर से खाली मैदान में पत्थर लाकर भूतों ने एक रात में इस मंदिर का निर्माण कर दिया। इस मंदिर को देखकर ये भी लगता है कि इसका निर्माण अचानक छोड़ दिया गया हो। स्थानीय लोग बताते हैं मंदिर बनते बनते सुबह हो गई, इसलिए मंदिर को अधूरा छोड़कर ही भूत प्रेत चले गए। की वंदिति है कि इस मंदिर के संग भूत प्रेतों का शाप भी चल रहा है। इस मंदिर को काने लोगों से खतरा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस दिन नई जाति के 9 काने लड़के दुल्हा बनकर मंदिर के सामने से गुजरेंगे, उस दिन यह मंदिर नष्ट हो जाएगा। संयोग की बात है कि अब तक ऐसी बात यहाँ नहीं हुई है। ककनमठ मंदिर को लेकर एक कहानी ये भी बताई जाती है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा कीर्ति सिंह के शासन काल में हुआ था। राजा कीर्ति सिंह और उनकी पत्नी रानी ककनावती भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था, इसीलिए इसका नाम ककनमठ मंदिर पड़ा। LD न्यूज रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।